नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। बिहार इंटर नामांकन 2020 में जैसा कि पता है कि आप लोग की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कॉलेज और संकाय को कैसे बदलें, क्योंकि हो सकता है आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला हो और आपको सब्जेक्ट में चेंज करना हो, आर्ट्स से साइंस या साइंस से आर्ट्स या कॉमर्स में बदलाव करना हो। तो आज 10 अगस्त हो गया है और आपको सिर्फ 3 दिन ही बाकी रह गया है, क्योंकि आखिरी डेट है जो वो 12 अगस्त है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, ताकि पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पे हमें ये भी बता दूँ कि इस चैनल पे क्रैश कोर्स भी एग्जाम के टाइम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। .NET पे होगा अब आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400400400, जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। तो यहाँ की देख सकते हैं कि एडमिशन के बाद ही 12 तक स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। स्लाइड अप का मतलब आपको कॉलेज चेंज करना है तो ऑनलाइन आवेदन ही करना है आपको। तो राज्य के +2 स्कूल या कॉलेज में इंटर एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट शामिल स्टूडेंट का एडमिशन जारी है और राज्य में 3564 शिक्षण संस्थानों में 17 लाख सीटों पर 11वीं में एडमिशन 12 अगस्त तक होगा। बोर्ड ने कहा है जिनका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं है वो 12 अगस्त तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं, यानी जिनको चेंज करना है वो भी स्लाइड अप भरेंगे और जिनका नाम नहीं है शामिल वो भी स्लाइड अप भरेंगे। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प यहाँ पर भर सकते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर उन्हें दूसरी मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। हालांकि दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ध्यान रखें कि अगर आप फिर से यहां पे स्लाइड अप ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं और पहले मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सोचिए कि मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम खुद ब खुद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको स्लाइड अप का ऑप्शन तो करना ही है। पहले लिस्ट में कॉलेज आवंटन से असंतुष्ट स्टूडेंट स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा अगर कोई स्टूडेंट उन्हें आवंटित किए जाने वाले कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है तो दूसरा कॉलेज या संकाय चुनना चाहता है तो ऐसे स्टूडेंट स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि वे पहले उस संस्थान में एडमिशन लें जहाँ उनका चयन हुआ है, यानी कि जहाँ आपका जो लिस्ट में नाम आया है वहाँ एडमिशन जरूर ले लें, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इस संस्थान में एडमिशन कराने के जो भी बाद ही वे दूसरी या तीसरी सूची जारी होने पर अन्य संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। स्लाइड अप का विकल्प अभी स्टूडेंट को 12 अगस्त के बीच ही अपनाना होगा। स्लाइड अप के विकल्प में उन्हें संस्थानों में एडमिशन मिलेगी जिनका विकल्प उन्होंने आवेदन के वक्त दिया है, नए संस्थान का जोड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद भी जो है आज से करें आवेदन। मैट्रिक परीक्षा में ग्रेस मार्क के बाद स्टूडेंट ओ एफसेस पोर्टल पर जाकर 12 अगस्त के बीच आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे छात्र पहली सूची के आधार पर कॉलेज के कट ऑफ मार्क्स भी देख लें ताकि उन्हें पता लग सके कहाँ एडमिशन हो सकता है और दूसरी तेसरी लेट में चुना जा सकता है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं जाकर, आपको ओ एफसेस वेबसाइट पर जाकर सब कुछ आपको करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, क्योंकि पल पल की अपडेट यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दे दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।